सबसे पहले तो जितने लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं उन सभी लोगों को मेरा प्रणाम और बहुत सारा प्यार। दैट्स ग्रेट, आई एम सो हैप्पी फॉर हर और कंग्रेचुलेशंस तेजा एंड बेस्ट विशेस आपके आगे करियर में। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ आपको और इट्स वेरी गुड, यू नो एंड ऑफ द डे जो डिज़र्व करता है वो जीतता है। सो ना सिर्फ उनको, जितने भी तमाम लोग हैं जो टॉप फाइव में आए उन सभी लोगों को, इवन रश्मि जी के लिए आई फेल्ट वेरी बैड, बट देन शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन और आई थिंक उनका भविष्य आगे और भी यू नो बहुत ब्राइट है। उसके अलावा प्रतीक ऑल्सो, प्रतीक ने भी बहुत अच्छा किया है तो ही टॉप टू तक पहुंच पाए, और करण कुंद्रा जी एंड शमिता जी ऑफ कोर्स, तो सब ने बहुत अच्छा किया है, बट कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। अगर फ्रेंडशिप की बात की जाए, हमेशा चर्चा में होती है बिग बॉस की फ्रेंडशिप, आप किससे अभी कांटेक्ट में हैं? मैं जितने भी लोग थे, मेरे ख्याल से निशांत भाई तो अभी बाहर निकला है, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ही इज़ माय ब्रदर नाउ एंड एक अच्छा रिश्ता और एक अच्छा वक्त हमने साथ में गुजारा है, तो एक वो हो गया। उसके अलावा गाबा है ने आवा, गाबा मेरा फेवरेट रहा है और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है और यू नो अक्सर मौका मिलने पर हम लोग मिलते हैं और अच्छी टॉकिंग टर्म्स है और शायद ये रिश्ता आगे लंबा चलेगा। जैसा कि आपने बोला कि निशांत के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, भाई की तरह है, उन्होंने 10 लाख लेने का वो जो डिसीजन लिया, वो क्या कुछ आपको बहुत सही लगा, बिकॉज यू नो टॉप फाइव में आने के बाद वो घर ऐसा है ना कि आपको कभी भी कुछ भी करने पे मजबूर कर सकता है, यू नो वो वाइब और वो अंदर की चीज़ें जो हैं। सो जो भी उनका फैसला था वो बहुत सही रहा और टॉप फाइव में ऐसे भी जीतने वाले तो थे नहीं, जीतने वाली थी तेजा, तो भाई मेरा बिल्कुल सही डिसाइड किया और एकदम करेक्ट टाइम पे उन्होंने बैग उठाया और यू नो निकल गए। जितना नाम हालांकि उन्होंने कमाया है, जितना नाम बना लिया इतने यू नो बिग बॉस के सफ़र में, बहुत ही खूबसूरत पल गुजारे हैं और बहुत लोगों को ये जानने को मिला कि हु इज़ निशांत भट्ट, और या उनका यू नो नेचर कैसा है, या वो एज अ कोरियोग्राफर जो जिस तरीके से पूरे कोरियोग्राफर्स को यू नो रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो बहुत सी चीज़ें देखने और सीखने को मिली है उनको भी, और आई होप आगे का जो भी सफ़र रहेगा उनका वो बहुत ही खूबसूरत रहने वाला है। ही इज़ फैंटास्टिक। बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट आ गए हैं, बिग बॉस 15 खत्म हो गई है और अभी पार्टियां चल रही है, सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। मैं जा रही हूँ अभी भाई से मिलने, मैं जा रही हूँ बस। आपने घेर रखा है ना, तो मैं वहीं जा रही हूँ। आज मैं एक फिल्म की, बहुत सारी पेंडिंग फिल्म्स हैं जिसकी डबिंग पूरी कर रही हूँ, और ये उनमें से एक फिल्म है जो कि निरहुआ जी के साथ है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म थी, मैंने सोचा फटाफट काम निपटाया जाए। मैम आप बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किए हैं और आप खुद ही एक स्टार हैं, सबसे ज़्यादा काम करके किसके साथ आपको मज़ा आता है? आई थिंक स्टार की जहाँ तक बात करें तो मैं स्टार के एस पे भी नहीं पहुँची हूँ, बट हाँ अगर भोजपुरी में बात की जाए तो सभी के साथ कंफर्टेबल हूँ, ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हाँ स्टार की बात की जाए या एज अ ह्यूमन बात की जाए तो मैं खुद की फेवरेट हूँ। उसके अलावा निरहुआ जी हैं, इज अ वेरी गुड एक्टर एंड अलोंग विद दैट खेसारी जी ऑल्सो। देखिए मैं रील ऐसा कुछ प्लान करके नहीं बनाती हूँ, बट हाँ यू नो अचानक से मूड हुआ और कहीं से फैंस के मैसेजेस आ गए कि आप इस पे बनाओ इस पे बनाओ, तो उनकी फरमाइश पे कुछ ना कुछ यू नो कोशिश कर लेती हूँ। ओके,
ऑडियंस से मैं कहना चाहती हूँ कि अब तक आपने बहुत सारा प्यार दिया है, और जो भी छोटी मोटी कलाकार हूँ आपके सामने खड़ी हूँ आज, वो आपकी ही बदौलत। तो मैं चाहती हूँ आप लोगों से कि आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए, और मैं इसी तरीके से कुछ ना कुछ यू नो अच्छा करके या एंटरटेनिंग करके आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँगी, और बहुत मेहनत करूँगी, अपनी कमियों को सुधारूँगी। थैंक यू वेरी मच। लवली टॉकिंग।